दीपावली त्योहार के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार भिलाई में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन बहनों ने अपने भाइयों को अपने घर बुलाकर प्राचीन परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर सम्मान किया और उन्हें भोजन कराया। यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। यमराज भी सोचते हैं कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, लेकिन मेरी बहन मुझसे कितना स्नेह करती है जो इतनी सद्भावना से मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित कर रही है। ठीक उसी तिथि के दिन यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। यमराज के घर पहुँचते ही यमराज को अपने द्वार पर देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सबसे पहले स्नान करके यमराज को तिलक लगाती है और उसके बाद भोजन कराती हैं। बहन के अपने प्रति स्नेह आदर और सम्मान को देखकर यमराज खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, तब यमुना अपने वरदान को मांगते हुए कहती है कि हे भद्र, इस दिन जो बहन मेरी तरह भाई का आदर सत्कार और टीका करके भोजन कराए उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज इस पर तथा अस्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर चले जाते हैं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और इस दिन विवाहिता बहनें अपने भाई को अपने घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराती हैं और यम के खतरे से अपने भाइयों को बचाती हैं। भिलाई शहर में भी भाई दूज के त्यौहार के दिन विवाहिता बहनों ने अपने भाइयों को अपने घर बुलाकर उनका तिलक लगाकर सम्मान किया और यमदेव के खतरे से सुरक्षित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।